कि जैसे जैसे मैं पढ़ती गई जैसे जैसे मुझे तीर्थंकर महावीर के जीवन ने अत्यंत प्रभावित किया है। मैंने उनके काफी गलती एक आत्मा में बसा को मैं देखो स्वयं महावीर की कॉपी दिखाई नहीं दे रही है। उनका वक्रा पुनर्जीवन उनका महाप्रदा को मारने का दिन शस्त्र नहीं है, कोई ऐसी कठोर शब्द नहीं है, ऐसा कोई किसी के लिए कठोर अनुशासन नहीं है कि तुमको ऐसा ही चलना, ऐसा ही करना है, ऐसा ही बैठना है, कोई कठोर अनुशासन। इतना प्रेम पूर्ण जीवन और मुझे उसने प्रभावित किया। मैं रास्ते से चलती थी, चलते हुए आसपास में जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब वो हाथ फैलाते थे, मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने घर में सोचती अब तो खाना नहीं है, फिर भी माँ पीछे 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 जबरदस्ती से खिलाने के लिए करती है, खाओ पियो ये कपड़े का खाना पर। ये बच्चे हाथ फैलाते हैं लेकिन इनके हाथ में इनका वही भोजन तक नहीं मिल पाता। मुझे बड़ी प्रेरणा होती, मैं अपने गुरुजनों के समक्ष इस बात को रहती कि महावीर तो इतनी करुणा पूर्ण वे साधना की साधना होते छोड़ चुके थे घर छोड़ चुके थे परिवार छोड़ चुके थे राज्य छोड़ चुके थे सारा राजकोष, उन्हें साथ में एक व्यक्ति भी नहीं कि चलो तुम्हें मदद कर दे, उन्हें एक आध शिष्य भी नहीं जो सेवा कर दे, कोई 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 नहीं अकेले नहीं कर पाए। एक दिव्य वस्त्र शरीर के ऊपर में है, देखिए था एक देखिए मित्र ने रख दिया था, इनकार नहीं किया, उसने कहा कि मैं सुप्रीम ड्रामा हूँ तो तुम दे रहे हो तो मैं क्यों अपने कंधे पर दिया है, मित्र ने दिया है किसी प्रेम ने दिया है किसी ने और उसको उपयोग में है जरूरत है। हाँ इसने कुछ नहीं दिया है, डाल दिया है कंधे पे और मुक्त योगी चल पड़ा है, चल पड़ा है साधना करता है। और महीने के महीने गुजर चुके हैं, उनके काम की महिमा चारों तरफ में है, पूरे राज्य भर में उनके दान की महिमा और हर गरीब सर्वसाधारण सामान्य जरूरतमंद व्यक्ति अपने परिवार को एकदम खुश खुश सौभाग्यशाली माता के महावीर ने छुआ, लेकिन हमें वो बंद रखे गए हैं, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा किया। ये सूचना गांव के एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में पहुंची, उस ब्राह्मण परिवार वो जो ब्राह्मण था वो भी बहुत गरीब था, उसकी पत्नी गरीब और ब्राह्मण इधर से उधर इस गांव से उस गांव इस पत्ते के पास भी कुछ दो 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 जो मानता है उसको जो इनकार करता है उसके पीछे जो मना करता है जिन्हें ये नहीं खाना मैं आपको तो इतना खाना नहीं पड़ेगा, आपको इतना खाना ही पड़ेगा, आपको पीना ही पड़ेगा। पिछले दिनों में बापू आए हम राजी पप्पू आए तो मुझे पता था कि उनको चाय अच्छी लगती है, तो मैंने आते ही कहा कि पप्पू आएंगे इनको चाय पिला दो। तो जब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जैन सर पीछे पप्पू को कहती कि चाय पीजिए कि बस आने के साथ ही आपने मुझे चाय के लिए नियुक्त कर दे दिया, मैं निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरे यहाँ पे बड़े आराम से छुटे उनको नौ दिन तक विरादर में रहना था, विरादर में ही कथा करनी थी, तो कहती कि बस अब तो मैं बहुत निश्चिंत हो गया कि मुझे यहाँ पे कोई साथी जी चाय की बात कर रहे।
जो इनकार करता है उसको बिल्कुल खड़े हो रहते हो जब होगा समय तब लेकिन जो मानते हैं वो जो पिछला ब्राह्मण था गांव का गली गली व्यक्ति व्यक्ति सबके पास कुछ जब कर लगता तो हाथ में उसे मिला के उसके पत्नी को मिला के पोटले पोटले पान के बहुत सारे सामान आएगा ये तीन दिन को मैं जब देगा मुंह भी फटेगा कपड़े फटे हुए हैं उसके पास कुछ भी नहीं दरिद्र है ऐसे कैसे खड़ा है आज मत सोच के आज ही पत्नियां डरती हैं उन्हें में भी बस उन दिनों में कितनी कुंडलियां मिला और निगुण मिलते हैं इतने में ये राशिया मिलती है इसके लिए कितना भी मिला लेकिन अच्छा है अगर सुधार के मिल जाए और सबको छोड़ दे दिया जाए या अलग अलग हो सकते हैं तो 95% के लिए जी चल 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 उस पत्नी ने कहा अपने पति से कहा अब आगे कहाँ भटक रहा था एक महाकाली अपने मिशन के लिए बैठ बहुत सबको अपने छुटियां प्रथम के लिए दे रहा था उसने तो कहा चला गया था और अभी जब तक कुछ दिन देख भी नहीं आएगा इस घर में प्रवेश नहीं है निकल के पत्नी ने घर से कहा पति तो पत्नी को निकालते हैं पर यहाँ क्या किया पत्नी ने जब तक कुछ लगेगी मैं क्या करूँगी इन बच्चों को क्या बनाऊंगी इनकी शिक्षा की व्यवस्था मैं कैसे करूँ हम प्रार्थना नहीं चाहती है हम इस तरह से दरिद्र जीवन नहीं जी सकते क्षमा कर देंगे कि आप वह व्यक्ति ब्राह्मण मिलता है और यजक मित्र कहाँ जाओ किसके पास कहाँ है मंत्र कोसते कोसते पदार्थ बनाते 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 कहाँ पे पहुँच गया उस जंगल में जिस जंगल में एक पेड़ के नीचे महावीर ध्यान कर रहे थे और उन्होंने उस याचक ने अपने देखे इस कहानी में मुझे एक नाम प्रभावित किया है नाम प्रभावित किया कि एक साधक सब कुछ छोड़ चुका है जंगल के मुख्य मच्छर जीव जंतु सांप मैंने भी एक बार इस तरह से कोशिश की थी कि मैं भी इसी प्रकार से रात के समय में निकल गई जंगल में सब सोए थे मेरे महर्षि को बहुत ध्यान रहता था फिर भी कभी आँख बचा करके मैं इसी तरह से राजगढ़ के बारे में निकल गई और ऐसे लगा कि कहीं साल निकल जाए वही बिच्छू मर जाए वही कोई मुझे सब जगह रात के समय में ऐसे क्यों को इतने भय चारों तरफ से इतने कि मैं एक कदम आगे बढ़ती थी मत पीछे 10 कदम लौटता था 2 कदम आगे बढ़ती थी वापिस लौटने का कौन और इस तरह से उन्होंने साहस किया साहस किया मैं उसके अपूर्ण पर साहस को जितना मुझे उसे लगता है शरीर पर पुष्कर शाम को क्या खाएंगे कल कहाँ जाएंगे परसों कौन मिलेगा कुछ पता नहीं खड़े और एक बस वो याचक ने कहा है मैं दुखी आवता बेहतर मारे ढोकरे मार करता फिरता हूँ इस द्वार पर आया हूँ मैं वापस नहीं लौटूंगा महावीर क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपने उस शिष्य के द्वारा भक्त के द्वारा देव के द्वारा मित्र के द्वारा अपने प्रेम के द्वारा जीव के वस्त्र को वो क्या करते हैं उसको उसको उतार करके उसको दे देते हैं मेरे सामने उदाहरण है इस उदाहरण में इस घटना ने जब लोग कहते हैं जब मैंने अपनी कुशल उस पर उठाई थी किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रही हूँ न मैं किसी व्यक्ति का दोषारोपण कर रही हूँ यह परंपरा ये थी कि जैन साधु
लेन तो सुनता है पानी लेन तो सुनता है लेकिन किसी पैसे को पानी आपकी दृष्टि से क्या अनुभव है आपका आप भोजन ले सकते हैं लेकिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन मेरे आपके पति का आप भोजन दे सकते हैं आप सेवा क्या कर सकते हैं ले सकते हैं किसी से औषधि ले सकते हैं लेकिन आप किसी को आप किसी का प्राण ले सकते हैं लेकिन किसी को हाथ तीर्थंक है महावीर और जिस समय समुशन में आते हैं तो समुशन में आने के साथ सबसे पहले वे तीर्थ को प्रणाम करते हैं नौ तीर्थ हमारे प्राचीन आचार्य ने उनकी इस घटना को कितनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है कि उन्होंने तीर्थ को प्रणाम किया है और तीर्थ में कौन कम है तीर्थंकर ने किसको प्रणाम किया है सती जी को साधु को सती जी को श्रावकों को और मेरे सामने अगर कोई हाथ जोड़ता है तो आपको भी हाथ जोड़ते तीर्थंकर कर सकते आप नहीं कर सकते मुझे इस कभी समझ में नहीं आया मैंने कई तरह से अपने बात को समाज के समक्ष रखने की कोशिश की अपने गुरुजनों के समक्ष मुनियों के समक्ष उपाध्यायों के समक्ष अपनी बात को रखने की कोशिश की मैंने कहा कि मैं एक बार इंदौर में थी इंदौर में एक जगह से मैं गुजर रही थी तो वहां पे कृष्ण नंदी उसी रास्ते से जा रहे थे तो एक बच्चा पड़ा था ये घटना मैं तात्पर्य करता ये वास्तविक करता है वो आज भी साक्षी थे वो बच्चा पड़ा था मुझे समझ हुआ कि मैं उस बच्चे को उठा लू उस बालक को उठा लू ताकि मेरे साथ मैं और लोग थे जो लड़का आप सती जी ने लड़के को नहीं छू सकते लड़के को छू नहीं सकते आप नहीं उठा सकते मुझे से लगा कि ये लड़का छूकर के अगर मुझे भाग दे सकता है तो मेरी संभाव मैं उसे छू करके उसे अच्छा क्यों नहीं बना सकती लड़का छू जाए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो सकता तो मेरा धर्म उस लड़के को छू करके धर्म क्यों नहीं बना सकता बीमारी को मैं ले सकते पर अच्छाई को दे नहीं सकते इसका क्या कारण मुझे समझ में नहीं आया मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इतने भी कृष्ण तो नंद आए उस लड़के को उन्होंने उठा लिया उस लड़के को उठा लिया लेके गए निश्चित रूप से उन्होंने उसको बड़ा किया होगा बढ़ाया होगा आगे बढ़ाया होगा वह बच्चा महावीर के पास जाएगा कि जीसस के पास जाएगा चर्च में जाएगा कि आपके उपाशन आएगा किसके पास आएगा किसके पास आएगा आज दुनिया में क्रिश्चियन तो यदि भी बहुत सारे लोग उनके विरोध में भी बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन वो ऐसा करते हैं कि हिंदुस्तान में निजवार तीर्थंकर महावीर के जन्म भूमि में 800 ऐसे अपन में लोग उनके लिए हॉस्पिटल है ईश्वर भगवान वाणी के जन्मभूमि में और हजारों की संख्या में गली गली में गांव गांव में छोटे से छोटे देहात में जहाँ पे कोई नहीं है उस जगह पे चर्च है कृष्ण मंदिर है वहां पे आपको किसने रोका था आपको किसने मना किया था आपको किसने इनकार किया था आप क्यों वहां पे नहीं जा सके हम केवल उस पानी की जीव की रक्षा आपका की रक्षा से पानी को बार बार करके पिएंगे सब्जी खाएंगे ये खाने को नहीं खाने से वैसे क्या है उसे इतनी जड़ताएं आने के कारण हम लोगों ने
मैं अपने समय के सामने आती कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. अगर मेरी बात अगर नहीं मानी जाती तो मैं संघ से अलग रहती और मैंने डिसाइन किया संघ से उपाय नहीं था. इस जगह का गुंडा के साथ जीने के लिए ऐसा तो नहीं था कि मैं लोग रोटियाँ नहीं मिलती थी इसलिए रोटियाँ के लिए समाज के ऊपर जीने के लिए तो मैंने दीक्षा की. सारे दरवाजे महाराष्ट्र के बंद थे. मैं क्यों सुनता था महावीर के पति प्रेम था तो कहाँ जाना था किस भूमि में जाना चाहिए था. निकले थे महावीर की बात को कहने के लिए और सौभाग्य था कि उन्हीं दिनों में भगवान महावीर की 25वीं वार्षिक शताब्दी का आयोजन था और उस आयोजन के समय के लोग दिल्ली में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, लोग बॉम्बे में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, कलकत्ता में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं. लेकिन महोत्सव किसका मनाया जा रहा है? भगवान महावीर का. और मना रहे हैं दिल्ली में खाली ठीक है, जिनको जहाँ मनाना है मनाया. मैं तो महावीर का जन्म, महावीर के निर्वाण शताब्दी, महावीर की भूमि में गए और मैंने वहां जाकर के उसे छोटे से झोपड़े से छोटे सी जगह से थोड़े से सगन से शुरुआत की और मुझे बड़ी खुशी है. लाखों लाख लोगों तक महावीर की करुणा पहुंच सकी है. लाखों लाख लोग ऐसा को समझ सके. हजारों की संख्या में लोग निसंग हो